सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है वर्ग सप्तम का हमारे दुनिया किताब का पांचवा पाठ बिन पानी सब सुन की ओर चलेंगे और इस पाठ का जो है अवलोकन करेंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको जो है इस पाठ के बारे में अवगत कराया है, इसको जो है भलीभांति समझाने का पूर्ण रूप से हमने प्रयास किया है बच्चों, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी बताए हैं। आज जो है हम लोग खाली स्थानों की पूर्ति करें की ओर चलते हैं और प्रश्नों का जो है अवलोकन करते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1, खाली जगहों को भरिए। कह रहा है नदी का जल समुद्र में गिर कर डैश हो जाता है। बच्चों, नदी का जल, ऐसे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि नदी का जो जल होता है वो मीठा होता है, स्वीट वाटर होता है, और जो समुद्र का जल होता है वो खारा हो जाता है, खारा नमकीन हो जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। तो ये क्या होता है, नदी का जल समुद्र में गिर क्या हो जाता है, क्योंकि खारा हो जाता है, क्योंकि नदी का जल जो है अपेक्षाकृत समुद्र के जल से कम होता है। समुद्र जो है पृथ्वी पर लगभग 3 हिस्सा समुद्र है, इसलिए जब नदी का जल समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है। खारा हो जाता है, ठीक ना, खारा पानी से सुने ना, खारा पानी हो जाता है, उसमें नमकीन हो जाता है। तब जो और आगे की तरफ चलते हैं, करा है 2 नंबर क्वेश्चन, ज्वार भाटा डैश में होता है। ऐसे तो ज्वार भाटा का हम लोग अवलोकन करेंगे कि यह समुद्रीय जल नदियों पे भी यह जो है पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन ज्वार भाटा जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, घिंचाव उत्पन्न होता है, और यह सबसे ज्यादा सागरीय जल को प्रभावित करता है। तो सागरीय जल में होता है, इसके ऐसे लिखेंगे, सागरीय जल में होता है। आगे तरफ चलते हैं, कह रहा है ज्वार भाटा गैस के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ज्वार भाटा जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिखेंगे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों आगे की तरफ देखते हैं, कह रहा है जल संरक्षण दिवस देश को मनाया जाता है। तो बच्चों जल संरक्षण दिवस जो है मनाने के उद्देश्य पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं। जल संरक्षण दिवस जो है, जो भी हमारे पृथ्वी पर जल है उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें गलत इस्तेमाल जो है नहीं करने के उद्देश्य से जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और लोगों को जो है जल को संरक्षण करने, उसे बचाने के लिए उसे जागरूक किया जाता है, इसलिए जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बच्चों इसे फेल को भी मैं आप लोग लिखेंगे, जो अगला प्रश्न केवल हम लोग अवलोकन करते हैं, इसको समझाएंगे और आप लोग इसे घर पे अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। और देखिए कह रहा है ये जो प्रश्न हम खाली जगह को भरें, यह खत्म हो चुका है, इसके बाद इस खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसे कह रहा पहला क्वेश्चन, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जल के विभिन्न उपयोग लिखे। बच्चों तो जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जल के तो अनेकों स्रोत हैं, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गया, वर्षा हो गया, ठीक ना,
तो नहर हो गया, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, ये सब जल के स्रोत हैं जिससे कि हमें जल प्राप्त होता है, ठीक ना। अब कह रहा है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, नदी है, सागर भी है, नदी लिख सकते हैं, तालाब लिख सकते हैं, ठीक ना। और देखिए कह रहा है जल के विभिन्न उपयोग लिखें, तो जल का तो अनेकों उपयोग है बच्चों, जैसे हम लोग पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, मकान बनाने के लिए, जल का तो क्या है बहुत सारा उपयोग है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और आप लोग जो है अगर इस प्रश्न में कहीं भी आप लोग कोई त्रुटि दिखाई दे, अगर नहीं समझ में आए, हम लोग ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन जो सीधे तौर पर पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।